हेलो स्टूडेंट, आज हम आपकी वर्कशीट जो देखने वाले हैं वो है इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 33। ये 19 सितंबर की आपकी वर्कशीट है, सैटरडे की वर्कशीट। तो ये जो वर्कशीट है ये है लेटर राइटिंग के ऊपर। अब किस पर आपको लेटर लिखना है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। उससे पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और आगे फॉरवर्ड कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये लेटर अच्छे से समझ आए, और साथ ही जो बाकी कंटेंट की जो वीडियोज हैं वो अच्छे से उन्हें समझ आ जाए। तो आगे देखते हैं कि आज की वर्कशीट किस पर बेस्ड है। तो ये जो लेटर आपको लिखना है ये लिखना है लीडरशिप स्किल्स पर। अब लीडर कौन होता है उसके बारे में आपको कुछ बताया हुआ है यहाँ। अ लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। तो लीडर वो है, आप देख सकते हैं इस फोटो में दिखाया है, ये जो रेड वाली जो मछली है ये एक्चुअली लीडर है। क्यों? क्योंकि एक तो इसे आगे रास्ता पता है, कहाँ जाना है उसे वो पता है, नोज द वे गोज द वे। तो सिर्फ पता नहीं है, वो उस तरफ जाता भी है, और साथ ही साथ शोज द वे मतलब, और सिर्फ खुद अकेले अकेले उस तरफ नहीं चल देता बल्कि दूसरों को भी जो है वो ये रास्ता दिखाता है कि आओ और इस रास्ते से आओ और आगे बढ़ो। तो जॉन सी मैक्सवेल का ये एक कोट है जो यहाँ आपको बताया गया है। तो लीडरशिप skills help you to understand how to manage your actions in day-to-day life, especially in difficult times. तो ये जो leadership skills होती हैं, ये आपको day-to-day जो actions हैं, उनको manage करने में आपको help करती हैं, और खासकर जो ये मुश्किल का दौर चल रहा है आजकल का, उसमें तो और ज्यादा ये help करती हैं। अब जो student leadership है उसके क्या क्या वो include करता है, वो include करता है 7 important competencies और skills। तो स्टूडेंट लीडरशिप का मतलब है ये 7 skills का होना आपके पास। तो ये 7 skills कौन सी हैं? ये है सेल्फ अवेयरनेस, नोइंग अबाउट वंस ओन कैरेक्टर एंड फीलिंग्स। तो अपने बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में और अपनी फीलिंग्स को जानना, ये एक स्किल है लीडरशिप की। तो ये ध्यान से सुनिए क्योंकि इस पर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, तो आप जरा ध्यान से सुनिए इनका क्या मतलब है और फिर उस क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हैं। दूसरी जो लीडरशिप स्किल्स में जो सब स्किल आती है वो है मीनिंगफुल एक्शन, डूइंग इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल वर्क। तो आपको ऐसा काम करना चाहिए जो काम यूजफुल हो और उसका कुछ मतलब हो। ऐसे ही काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जब तक उस काम का कोई पर्पस नहीं हो, कोई यूज नहीं हो, तो वो काम जो है वो मीनिंगफुल नहीं है। फिर विजन, हैविंग द एबिलिटी टू इमेजिन। तो अच्छा लीडर वही है जिसका एक विजन हो, जो आगे तक की सोच पाए और उस सोच के साथ, उस विजन के साथ जो है, उसे इमेजिनेशन के साथ जो है आगे वो मीनिंगफुल एक्शन ले पाए। फिर और 3 skills आपको बताई गई हैं, वो है कम्युनिकेशन, एक्सचेंजिंग आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि जो आपके पास आइडियाज और इन्फॉर्मेशन है बस आप अपने साथ रखेंगे, बल्कि आपको उसे दूसरों से कम्युनिकेट भी करना है, तभी आप उस पर कोई मीनिंगफुल एक्शन ले सकते हैं। फिर इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लीडरशिप का, वो है कि बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। तो वैसे तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में चोर है और आप जो है खुद से ही ऑनेस्ट नहीं है, आप दूसरों से ऑनेस्ट नहीं है, तो ये बहुत गलत बात हो जाती है एक लीडर में। तो इसीलिए एक लीडर जो होता है उसे इंटीग्रिटी उसे जरूर रखनी चाहिए, उसे ऑनेस्ट रहना चाहिए और स्ट्रांग उसकी मोरालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे सिचुएशन आई वो वहां पर बहकर चल दिया और अपने मॉरल्स के साथ उसने समझौता कर लिया। फिर एक और स्किल है, वो है कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन, वर्किंग कलेक्टिवली एज अ टीम। तो आप तभी अच्छे लीडर बन सकते हैं जब आप जो है अपनी टीम के साथ बहुत अच्छे से मिलकर कोलैबोरेटिवली आप काम करें। 7th जो लास्ट स्किल है आपकी लीडरशिप स्किल में, सब स्किल जो है वो है वैल्यूइंग अदर्स। तो ऐसा नहीं है कि आप लीडर हैं तो बस आप अपने ही उसमें घूमते रहें, अपनी ही बड़ाइयां करते रहें, बल्कि आपको दूसरों की भी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए, दूसरों को भी वैल्यू करना चाहिए, और जो दूसरे लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, आपको उसको भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, सिर्फ अपनी अपनी गाते नहीं रहना चाहिए। तो ये आपके जो है 7 sub skills हैं लीडरशिप स्किल्स की। अब इसी पर बेस्ड आपका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन तो है आपका, सिलेक्ट एनी वन ऑफ दीज 7 skills दैट यू वुड लाइक टू डेवलप इन योरसेल्फ। तो ये जो है ये आपको खुद ही करना है, ये आपको खुद लिखना है कि ये जो 7 skills मैंने आपको अभी समझाई हैं, इनमें से कौन सी वो स्किल है जो आप डेवलप करना चाहते हैं। फिर आपका लेटर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट द करंट सिचुएशन एंड हाउ यू हैव प्लान टू डेवलप दैट स्किल।
तो फिर आपको जो है अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है जिसमें आपका जो अभी करंट पेंडेमिक का जो सिचुएशन है उसके बारे में आप अपना कंसर्न उन्हें शो करेंगे, और साथ ही साथ आप उन्हें ये भी बताएंगे कि आपका क्या प्लान है, जो आपने यहाँ Q1 में आपने कहा था कि मैं ये स्किल डेवलप करना चाहता है या चाहती हूँ, तो उसको कैसे आप डेवलप करेंगे वो आपको प्लान जो है वो अपने प्रिंसिपल के साथ शेयर करना है। तो सैंपल के तौर पे हमने जो Q1 यहाँ लिखा है कि भाई कौन सी 7 स्किल डेवलप करनी चाहिए, हमें ऐसा लगता है कि बच्चे जो हैं आजकल वैसे बहुत हद तक कम्युनिकेट कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, दूसरों को वैल्यू भी कर लेते हैं, सेल्फ अवेयर और विजन भी होता है, लेकिन एक मीनिंगफुल एक्शन की जब बात आती है तो सब वहाँ ठंडे पड़ जाते हैं। तो लोग बड़ी बड़ी बातें तो सभी कर लेते हैं लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो कोई नहीं कर पाता है। तो ये एक ऐसी स्किल है जो डेवलप डेफिनेटली होनी चाहिए, सभी में होनी चाहिए। तो हमने इस स्किल को ध्यान में रखते हुए हमने लेटर लिखा है कि अगर आप ये लेटर लिख रहे हैं, इससे आइडिया ले रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं कि आई वॉन्ट टू डेवलप, आई वुड लाइक टू डेवलप मीनिंगफुल एक्शन स्किल इन माई सेल्फ। और फिर आप जो मैं आपको सैम्पल लेटर अब दिखाने वाली हूँ, आप फिर उस लेटर के बारे में आप बात कर सकते हैं, आप वो लेटर लिख सकते हैं। तो जल्दी से मैं आपको लेटर दिखा देती हूँ कि आपको लेटर कैसे लिखना है। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे द प्रिंसिपल लिखेंगे आप, ऑफ कोर्स क्योंकि आप प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं। फिर आप अपने स्कूल का नाम और एड्रेस लिखेंगे, तो एक लाइन में लिखेंगे स्कूल का नाम, फिर अगली लाइन में लिखेंगे एड्रेस की एक लाइन, अगर एक और लाइन है एड्रेस की एक और लाइन लिखेंगे, और दिल्ली लिखेंगे और दिल्ली का पिन कोड लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा ये नेम और एड्रेस जो है ये आपको खुद लिखना है, ये एज इट इज मत लिख दीजिएगा, अपने स्कूल का नाम और अपने स्कूल का एड्रेस यहाँ लिखिएगा। फिर आप लिखेंगे डेट September 19, 2020, सब्जेक्ट आप लिखेंगे क्या है कि डेवलपिंग लीडरशिप स्किल्स, ये आपके लेटर का सब्जेक्ट है। फिर यहाँ पर है रिस्पेक्टेड सर या मैडम, अब आपको पता ही होगा कि आपके जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो सर हैं या मैडम हैं, तो जैसे भी वो जो भी हो तो आपको वही लिखना है, दोनों मत लिखिए, आप लिखिए या तो रिस्पेक्टेड सर लिखिए अगर वो मेल हैं, या फिर रिस्पेक्टेड मैडम लिखिए अगर वो फीमेल हैं, तो अगर आपके स्कूल के प्रिंसिपल मेल या फीमेल हैं। फिर आप आगे यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि कैसे आप लिख सकते हैं ये लेटर, तो हमने यहाँ पर लिखा है, ये लंबा ज्यादा नहीं है वैसे तो, क्योंकि कंटेंट जैसा है उसी के हिसाब से इसकी लेटर की लेंथ है, क्योंकि आपको काफी चीजें यहाँ बोलने को कही गई हैं, तो उतनी ही लेंथ है इसकी, दिखने में ये लंबा लग रहा है लेकिन ये इतना तो होना ही चाहिए, एक तरह का ये ऑफिशियल लेटर है, फॉर्मल लेटर है ये। तो यहाँ पर बेसिकली 3 ही पैराग्राफ है कि आपने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था। आप देखिए इस लेटर को पढ़िए और समझिए कि आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं। आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं कि अगर कोई डाउट है तो इस कंटेंट ऑफ द लेटर में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। डेफिनेटली हमने मीनिंगफुल एक्शन की यही बात की है यहाँ पर कि आपने जो आपके लोकल टेलर्स हैं, जो दर्जी हैं, उनसे आपने कोलैबोरेट करने के लिए आपने सोचा है, और सोचा है कि जो भी एक्स्ट्रा क्लॉथ मटेरियल आपके आसपास नेबरहुड में लोगों के पास हो या फिर टेलर के पास ही हो, आप उसे इकट्ठा करके उससे आप क्लॉथ मटेरियल से रीयूजेबल जो है आप मास्क बनवाएंगे और उसे जो है बेचेंगे, और जो मनी कलेक्ट होगा तो आप उससे उन टेलर्स की हेल्प कर सकते हैं, आप उन्हें वो मनी दे सकते हैं। तो ये आप यहाँ लेटर आपने लिखा है, फिर एंड में आप लिखेंगे होपिंग फॉर योर एनकरेजमेंट एंड सपोर्ट, आप अपने प्रिंसिपल का डेफिनेटली एनकरेजमेंट और सपोर्ट चाहते हैं, तो आप थैंक यू बोलेंगे योर सिंसियरली, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और अपनी क्लास और सेक्शन लिखेंगे। तो इस तरह से जो है आप ये लेटर लिख सकते हैं, आप डेफिनेटली अपने वर्ड्स में इसे लिखने की कोशिश जरूर कीजिए और उसे अच्छे से लिखिए, कोई डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं, कोई वर्ड समझ नहीं आया तो हमसे पूछ सकते हैं, या कोई वर्ड आपको नया लिखना है तो उसके बारे में भी आप हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, कोई भी डाउट है तो जरूर पूछिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आज की वर्कशीट में इतना ही है, थैंक यू।